एंड सोल का स्क्वाड एलिमिनेट हो जाएगा। पांच यहाँ पर टीमें बचती है हमारे सामने। डेड आइस गाइस अभी भी टॉप फाइव के अंदर आते हैं। युवा को एलिमिनेट करते हुए यहाँ पर डेड आइस गाइस के प्लेयर्स टीम एक्सट्रीम को एलिमिनेट करते हुए दो अलग अलग टीम से फाइट ली थी एंड डेड आइस गाइस माइट बी ऑन द टॉप राइट नाउ। बिल्कुल यहाँ पे घुस के मारा है डेड आइस गाइस ने और आज का पूरा दिन यहाँ पे इस टीम के नाम रहा है। जिस तरीके से ये टीम परफॉर्म करी है एज अ लॉर्ड एज अ टीम यहाँ पे अब मेगा स्टार्स यहाँ पे सिर्फ दो प्लेयर्स यहाँ पे बचे हुए। नॉकल्स भले इनके हैं बट टू मैन स्क्वाड फाइनल सर्कल में जाना एक बहुत बड़ी बात है। बट यहाँ पे इल्यूजन सर ने इल्यूजन यहाँ पे नॉक डाउन होते हैं ग्रेनेड से। अब यहाँ पे बात आती है कितनी जल्दी पुश इन होगा बिकॉज नीचे से अगर हम बात करें टीम आईएनडी भी दिखेगी हमें जल्दी ही बट कितनी जल्दी वो एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लास्ट गेम में इनके पास 3 किल्स थे, इस गेम में इस सेम टीम के पास 11 किल्स आ चुके हैं। ऑब्वियसली नंबर ऑफ किल्स के मामले में भी डोमिनेट करती हुई डेड आइस गाइस का स्क्वाड एंड बिल्कुल सेंट्रिक यहां पर आप देख सकते हैं एयर ड्रॉप गिरता हुआ प्रॉपर रेजेस आप देख सकते हैं यहां पर रेजेस आईएनडी के खाते में जा सकते हैं। मेगा की स्क्वाड के पास ऑब्वियसली एक रेज रहेगा काफी अच्छा बट स्टिल मैटर करता है कि सर्कल किधर की साइड को जाता है। तीन टीम्स तीन अलग अलग एरियाज पर है, जिधर भी सर्कल जाएगा वो टीम काफी ज्यादा फायदे में रह सकती है। डेड आइस गाइस के सारे प्लेयर्स जीवित है बट द मेजर फैक्टर इज कितना आगे उनको मूव करना पड़ेगा। सेम गोज विद यहां पे टीम आईएनडी के भी सारे प्लेयर अभी जिंदा थे बट यहां पे ट्रांस को नॉकडाउन कर दिया गया। क्रेटोस ने यहां पे एक ट्रेड लिया, पैराडॉक्स को वहां पे नॉकडाउन करा है बट अभी हम लोग छठे जोन में ही है सिर्फ। सातवां जोन जल्दी बनता हुआ नजर आएगा 45 या 40 सेकंड में। मेगा पैराडॉक्स वहां पे नॉकडाउन है, स्वैग भले उनके ऊपर गिव अप करेंगे बट जोन एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी यहां पे देनी पड़ेगी उन लोगों को बिकॉज चारों प्लेयर आईएनडी के अभी जोन के अंदर मूव इन करते हुए नजर आएंगे बिकॉज अभी सामने डी के प्लेयर्स वहां पे अभी भी जिंदा बट यहां पे सिफू सर ने वहां पे पैराडॉक्स को फिनिश करा। दैट मींस क्रेटोस का किल वहां पे स्टील हुआ है एंड सिफू सर वहां पे एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस वहां पे दिखाते हुए 3 किल्स उनके हो चुके हैं। लेजी को भी यहां पे डैमेज दिया गया है। इट इज ऑल अबाउट 4 vs 4 vs 1 सिचुएशन। मेगा स्टार्स का एक अकेला प्लेयर बचा हुआ है व्हिच इज स्वैग। अब 4 vs 4 की सिचुएशन किस तरीके से यहां पे दोनों टीम एंगेज करेंगे बहुत बड़ा सवाल रहेगा बट यहां पे लेजी सर एक अच्छी स्पॉट में है जहां पर राइट साइड से डिफरेंट एंगल क्रिएट कर सकते हैं बट लेजी सर वहां पे डैमेज भी दिए हैं क्रेटोस के। क्रेटोस यहां पे देख सकते हो अभी 70% हेल्थ पे है। ट्रांस यहां पे अच्छा खासा सा रिच का कवर बना के वेट कर रहे हैं कि राइट साइड पे जो प्लेयर बचा था मेगा का जहां से गन साउंड आए रहेंगे वो राइट हैंड साइड संभाल रहे हैं। बाकी तीनों प्लेयर सामने डी के प्लेयर्स को एक यहां पे नॉक का वेट चल रहा है। दोनों टीम्स के द्वारा एक प्लेयर नॉक हो तो हम लोग पुश करें। ऑब्वियसली यहां पर पुश का पूरा टाइम बन सकता है। अब सातवां सर्कल स्लोली एंड स्टेडली क्लोज इन करता हुआ 34 मीटर डेड आइस गाइस के शिफू सर को सर्कल के अंदर मूवमेंट देना अगर वो दे सके काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा उनके लिए। मीनवाइल वहां पर शिफू सर को डाउन किया टीम आईएनडी स्नैक्स ने। टीम आईएनडी आती हुई फाइट के अंदर प्रॉपरली स्लेयर वहां पर ऑब्वियसली डाउन कर देंगे एक और प्लेयर को जो कि इल्यूजन सर होने वाले। यहां पर मेगा के स्वैग को ऑब्वियसली फिनिश किया जाएगा। नाउ इट्स डाउन टू जस्ट 2 टीम्स एज ऑफ नाउ। आईएनडी काफी बेहतरीन तरीके से ऊपर है इस फाइट के अंदर बिकॉज उनके पास नो डाउट मैन पावर रहेगा एंड आगे मूवमेंट करना भी आईएनडी के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्रेटोस आगे मूव करते हैं आप देख सकते हैं। अब पूरा यहां पर डेड आइस गाइस को अपना फाइट देखना पड़ेगा। एक यहां पे बिल्कुल बैलेंस फाइट यहां पे ले रहे हैं बिकॉज उनको पता है स्लेयर पीछे से एडीएस दे रहे हो तो सामने वाले प्लेयर्स को एक लिबर्टी है कि आप इजीली जाओ एंड उनको फिनिश करो बट वही देखने को मिल रहा है यहां पे लास्ट में स्टैंडिंग। वहां पे वाडू सर ने एक प्लेयर को नॉक करा है। क्या क्रेटोस पीछे से फिनिश कर पाएंगे मैन? यस यहां पे टीम इंसीडियस गॉट इस गाय।